शब्द 98। आव बे आव मुझे हरि को नाम और सकल तज कौने काम। कहाँ तब आदम कहाँ तब हुआ, कहाँ तब पीर पैगंबर हुआ। कहाँ तब जिमी कहाँ आसमान, कहाँ तब वेद किताब कुरान। जिन दुनिया में रची मसीद, झूठा रोजा झूठी ईद। साचा एक अल्लाह को नाम, जाको नई नई करो सलाम। कहुधौं बिहिस्त कहाँ ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई। करता कीर्तम बाजी लाई, हिंदू तुर्क की राह चलाई। कहाँ तब दिवस कहाँ तब राती, कहो तब कीर्तम किन उत्पाती। नहीं वाके जात नहीं वाके पाती, कह ही कबीर वाके दिवस न राती। आवे आ मुझे हरि को नाम और सकल तज कौनो काम। साहब कहते हैं कि भाई तू मेरे पास आ और मेरे हिसाब से तो मेरे विचार से तो केवल एक हरि का नाम ले और उसी का ही जप कर, उसी का ही भजन कर, हरि तत्व को समझ। और हरि को छोड़कर जो दुनिया भर का पसारा है, बाह्य आडंबर, इन सबको छोड़ दे, क्योंकि ये किस काम के है आडंबर। इन आडंबरों में पढ़कर कुछ लाभ नहीं होगा। सद्गुरु कबीर कभी किसी के बाह्याडंबर को, दिखावा को पसंद नहीं करते। और दुनिया के लोग ऐसे हैं जो बाह्याडंबरों में ही उलझे रहते हैं। बाह्याडंबरों को, बाह्याडंबर से यहाँ मतलब पूजा नमाज व्रत उपवास रोजा हवन तर्पण मंदिर मस्जिद तीर्थ हज, जो औपचारिक कर्मकांड हैं, ये सब एक प्रकार का आडंबर ही तो है, दिखावा। और इनको ही लोग मान लेते हैं कि यही धर्म के अंग हैं। थोड़ी पूजा कर लिए, थोड़ा सा किसी ग्रंथ का पाठ कर लिए, कोई माला फेर लिए, माला जप लिए, नमाज पढ़ लिए, व्रत उपवास रोजा रख लिए, कहीं तीर्थ में घूम आए, मक्का की यात्रा कर आए, या कुछ और। अब मान लिए कि अब तो हम बड़े धार्मिक हैं, रोज हम धर्म के काम करते हैं। और इस प्रकार जो नहीं करते, समझते हैं ये तो नास्तिक है, अधार्मिक, धर्म कर्म तो ये मानते ही नहीं। कोई संयम सदाचार नैतिकता ईमानदारी पूर्वक जीवन जीता हो, सेवा साधना करता हो, लोक कल्याण का काम भी करता हो, लेकिन किसी प्रकार का पूजा पाठ न करता हो, कोई कर्मकांड न करता हो, मंदिर मस्जिद में न जाता हो, तो लोग कहेंगे कि आदमी धर्म को, भगवान को, परमात्मा को समझता नहीं है, नास्तिक आदमी। और गलत काम भी करता हो, राग द्वेष लड़ाई झगड़ा कलह कल्पना में पड़ा हो, लेकिन खूब सुबह से गंगा स्नान करता हो, मंदिर मस्जिद में जाकर के पूजा नमाज करता हो, और ऐसे और तो कहेंगे हाँ ये धार्मिक आदमी है, भगवान को मानने वाला, भगवान के रास्ते में, खुदा के रास्ते में चलने वाला है। और ये जो बाह्य आडंबर हैं, मंदिर मस्जिद रोजा नमाज पूजा प्रार्थना, इनको ही लेकर लोग आपस में तू तू मारा मारी करते हैं। हम
दिनदार हैं तुम बेदिन हो, हमारा मंदिर बड़ा हमारी मस्जिद बड़ी। यहाँ पर हम मूल बात की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि तुम बाह्य डंबर में न पढ़ो, कर्मकांड में न उलझो। ये कर्मकांड तो बहुत बाहरी बाहरी है, बहुत ऊपरी ऊपरी है, इनसे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। तीर्थ साहब कहते हैं कि हे भाई तू इधर आ मेरे पास और सुन मेरी बातों को। मेरे हिसाब से तो तू एक हरि तत्व को समझ, उस हरि का ही नाम ले और ये जो बाह्य डंबर तो उलझा हुआ है छोड़ इन सबको, ये तुम्हें कहीं पहुंचाएंगे नहीं। ये जितने बाह्य डंबर हैं, चाहे मंदिर मस्जिद हो, चाहे पूजा नमाज रोजा हो या अन्य, और ये सब काठ की घोड़ी है। इन काठ की घोड़ी में चढ़ने से कहां पहुंचोगे? ऋषि साहब ने कहा है, ताजी तुर्की कबू न साधु चढ़े काठ की घोड़ी हो। ताजी तुर्की विवेक विचार की साधना नहीं की, खाली काठ की घोड़ी कर्मकांड में उलझे रह गए तो कहां पहुंचोगे, क्या फल लाभ हुआ इससे? इसलिए और सकल तज साहब कहते सारे आडंबरों को छोड़, जीवन को सरल बना और तब होगा जब हरि तत्व को समझोगे। यहां हरि शब्द साहब ने कहा है, लेकिन यहां हरि से मतलब नहीं है, इसके आगे जितनी भी पंक्तियां हैं उन सभी पंक्तियों में मुख्य रूप से साहब मुसलमानों के बाह्य डंबरों की आलोचना करते हैं। यहां हरि से तात्पर्य केवल हिंदुओं के हरि नहीं, लेकिन जिन्हें भी लोग मानते हैं, खुदा, गॉड, अल्लाह, राम, रहीम, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, इन शब्दों से जिसकी तरफ इशारा करते हैं, एक परम तत्व, उसका यहां अर्थ है। नाना धर्मावलंबी कोई ना कोई एक परम तत्व की कल्पना करते ही हैं, तो साहब कहते तुम उसी को समझ, उसी पर ही ध्यान रख। ये जो बाह्य आडंबर उलझा हुआ है ये सब को छोड़ दे, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है, ये तो बच्चों के खिलौने हैं, मन बहलावन, मन को बहलाने के लिए हैं। कहां तब आदम, कहां तब हुआ, कहां तब पीर पैगंबर हुआ, साहब पूछते हैं ये बताओ तब आदम कहां थे और उसकी पत्नी हव्वा कहां थी, और उस समय ये पीर पैगंबर भी कहां हुए थे? यहां आप इशारा करते हैं, लोग मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई, यहूदी हो या अन्य और अनेक लोग हों, एक समय ऐसा था जब दुनिया नहीं थी, फिर किसी काल में ईश्वर ने, ब्रह्म ने या खुदा ने, गॉड ने दुनिया बनाई। दृष्टि दो है, एक विचारधारा के लोग कहते हैं कि दुनिया अनादि है, कभी बनी नहीं है, परिवर्तित होते हुए भी अनादिकाल से दुनिया चली आ रही है, इसको बनने की क्या जरूरत। दूसरी विचारधारा के लोग कहते हैं कि
नहीं, एक समय ऐसा था जब दुनिया नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब खुदा ने, गॉड ने, परमात्मा ने दुनिया बनाई। कबीर साहब स्वयं दुनिया को अनादि मानते हैं, लेकिन यहां पर उनका प्रश्न उन लोगों से है, साहब उन लोगों को अपनी बात बता रहे हैं और समझा रहे हैं जो ये मानते हैं कि कभी दुनिया नहीं थी, परमेश्वर ने दुनिया बनाई। तो साहब कहते ठीक, चलो मान लेते हैं, तुम्हारी बात सही है। तो जब दुनिया बनी, इसके पहले तो दुनिया नहीं थी, उसमें कुछ नहीं था। तो जब दुनिया नहीं थी, सब कुछ शून्य था, तब तुम्हारे आदम कहाँ थे और उसकी पत्नी हव्वा कहाँ थी? इसका मतलब यह, दुनिया बनने के बाद ही आदम पैदा हुए और हव्वा पैदा हुई। स्वामी परंपरा के लोग, ईसाई, यहूदी और इस्लामी, ये मानते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाई। अब जब दुनिया बन गई, तब उसने आदम को बनाया, सृष्टि का पहला आदमी, और वह सो रहा था, तब उसकी बाएं तरफ की कुछ पसलियों को निकालकर एक और उसके सरीखे आदमी खड़ा कर दिया, वो स्त्री हुई, वो आदम की पत्नी। तो साहब कहते हैं जब दुनिया नहीं थी, तब तुम्हारे आदम कहाँ थे, उसकी पत्नी हव्वा कहाँ थी, और तब ये तुम्हारे पीर पैगंबर ईसा, मूसा, मोहम्मद, दाऊद या अन्य और, ये सब कहाँ थे? उस समय जमीन कहाँ थी, आसमान कहाँ था, और फिर वेद, किताब, कुरान, ये सब भी कहाँ थे? तुम आदम और हव्वा को लेकर, पीर पैगंबर को लेकर, वेद, किताब, कुरान को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते हो। हमारे मूल पुरुष बड़े, हमारा पैगंबर बड़ा, और उनकी शरण में जाकर उनके द्वारा ही सत्य तत्व को, परमात्मा को, अल्लाह को समझा जा सकता है। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही आदमी स्वर्ग तक पहुंच सकता है, कल्याण कर सकता है, और दुनिया के लोगों के लिए एकमात्र धर्मग्रंथ हमारी ही किताब है। अब बस ऐसा माने और मान करके लड़ गए, जो उनके महापुरुष, उनकी परंपरा और उनके ग्रंथ को नहीं माने, उन्हें कह दिया ये बेदीन है, अधर्मी है। और जहां दूसरे को बेदीन, अधर्मी माने, फिर उनके प्रति कटुता की भावना आएगी, क्रूरता की भावना आएगी, और कटुता क्रूरता की भावना जहां आई, फिर वहां पर मारा मारी, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा तुम्हें शुरू हुआ, धर्म वहीं पर समाप्त। तो साहब कहते हैं जिनको लेकर तुम अपने को बड़ा मानते हो और राह खुदा, राह जन्नत मानते हो, ये बताओ जब दुनिया नहीं थी, तब ये तुम्हारे मूल पुरुष जिन्हें तुम मानते हो, आदम और हव्वा, ये थे कहाँ? और ये पीर पैगंबर भी कहाँ थे, वेद, किताब, कुरान भी कहाँ थे? इसका मतलब ये हुआ कि सब के सब बीच में आए। तो बीच की चीजों को महत्व क्यों देते हो? शुरू में जो चीज थी,
शुरू में तुम्हारे हिसाब से तो अल्लाह ही था, परमात्मा ही था, तो उस अल्लाह को पकड़ कर क्यों नहीं रहते? ये बीच की चीजों को क्यों महत्व दे दिए? जिसे तुम अल्लाह कहते हो दूसरे लोग उसे ही परमात्मा कहते हैं, राम कहते हैं, भगवान कहते हैं। चीज तो एक है, नाम अलग अलग भले हो गया, तो उस मूल बात पर ध्यान क्यों नहीं देते? बीच में जो पैदा हुई चीज है, बीच में जो बनी है, बीच में आ गई है, उसको लेकर के कट्टर क्यों बनते हो और दूसरे को बेदिन मानकर उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हो? जिन दुनिया में रची मसीद, झूठा रोजा झूठी ईद साहब कहते हैं, जिन्होंने दुनिया में मस्जिद बनवाई या बनाई, उस समय वे कहां थे? अब जब मस्जिद नहीं थी तब ये रोजा नमाज का प्रचलन कहां था? सच पूछो तो ये तुम्हारे रोजा झूठे हैं और तुम्हारी ईद भी झूठी है। तो एक समय ऐसा था जब दुनिया में मस्जिद नहीं थी, और मस्जिद ही नहीं, मंदिर भी नहीं थे। यहां से साहब मुसलमानों की आलोचना कर रहे हैं, मुसलमानों को समझा रहे हैं। अब जो मस्जिद में जाए, अब मस्जिद में जाकर के पांच वक्त नमाज पढ़े, वही धार्मिक है, दीनदार है। अब जो मस्जिद में जाकर के नमाज नहीं पढ़ता वो दीनदार नहीं है, बेदीन है। तो साहब कहते हैं बताओ तुम्हारी मस्जिद कब बनी? दुनिया बनने के पहले तुम्हारी मस्जिद थी कि दुनिया बनने के बाद मस्जिद बनी है? मस्जिद दुनिया बनने के बाद ही मस्जिद बनी, तो वो भी है वही बीच की चीज। और जब दुनिया ही नहीं थी तब तुम्हारे ये रोजा और नमाज और ईद ये सब कहाँ थे? ये सब भी बीच की चीज है और इन्हीं बीच चीजों में उलझे हुए हो। साचा एक अल्लाह को नाम, जाको नई नई करो सलाम। सच्चा तो एक अल्लाह का नाम है जिसको तुम रोज नई नई झुक झुक करके सलाम करते हो, तो उसी एक अल्लाह के नाम को ही पकड़ करके उपासना क्यों नहीं करते? उसी को ही श्रेष्ठ क्यों नहीं मानते? ये बाहरी कर्मकांड को महत्व क्यों दे दिए? जिसको तुम अल्लाह कहते हो उसको दूसरे लोग कुछ और नाम से कहते हैं, शब्द अलग अलग हो गए। बस तथ्य तो ये के रहा, बस तथ्य जब एक रहा तब विवाद करने की, लड़ने झगड़ने की बात कहां से आ गई? इसलिए ये तुम अपने को दीनदार मानते हो, धार्मिक मानते हो, तो साहब कहते हैं उसी एक नाम, चाहे उसे हरि कहो अल्लाह कहो, उसको ही श्रेय दो और बाकी जो बीच की चीज है इनमें उलझो मत। ये बीज कोई जरूरी नहीं है कि ये बीज की चीज तुम्हें वहां तक पहुंचा दे, और वहां तक ये पहुंचाने वाले हैं भी नहीं, ये तो मन बहलाने के साधन है। कहो बिहिस्त कहां ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई? साहब कहते ये बताओ ये तुम्हारी बिहिस्त, तुम्हारी जन्नत कहां से आ गई? और किसके कहने से तुम मासूम निरी
जानवरों की गर्दन पर छुरी चलाते हो, जब दुनिया नहीं थी तब तुम्हारी विशिष्ट भी नहीं थी, दोजक भी नहीं था, तुम्हारे हिसाब से ही दोजक और बिहिस्त भी बाद में ही आए, क्योंकि दुनिया बनने के बाद तो आदमी पाप या तो पाप करेगा या पुण्य करेगा, और जब पाप पुण्य करेगा तभी या तो वो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। जब लोग रहते हैं, समाज बनता है, तब कोई नियम बनता है। नबी कितने लोग रहते हैं तो ऐसे ही सब रहें तो काम नहीं चलेगा, इसलिए एक नियम बनाओ। तो नियम बनाया जाता है, जब नियम बनाया जाता है तो कुछ लोग तो उन नियमों का पालन करते हैं, कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते। जब ये देखा जाता है कि कुछ लोग नियम का पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तब ये सोचा जाता है जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए, कौन सा दंड दिया जाए, कैसे किया जाए कि वे भी नियम को पालन करने लगे, और जो नियम पालन कर रहे हैं उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाए, फिर ये सोचा जाता है। और फिर भय और लोभ दिखाया जाता है, देखो भी जो नियम का पालन करेंगे उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा, और जो नियम पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे, उन्हें ये दंड दिया जाएगा। जब कोई है ये नहीं है तब क्या नियम, क्या उसका पालन और क्या दंड और पुरस्कार। साहब को जब दुनिया ही नहीं थी तब लोग नहीं थे, और जब लोग नहीं थे तब कोई पाप पुण्य नहीं था, क्योंकि पाप पुण्य करने वाले नहीं तो है तो पाप पुण्य कैसे आएगा, और जब पाप पुण्य नहीं था तो स्वर्ग और नरक भी नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि पाप पुण्य करने वाले और पाप पुण्य का फल भोगने के लिए नरक स्वर्ग जाना, ये सब विष की बात हुई। और उसमें भी आश्चर्य ये कि स्वर्ग जाने के लिए अल्लाह को खुदा को खुश करने के लिए मासूम प्राणियों की गर्दन पर छुरी चलाना, और वो भी उस अल्लाह के नाम पर जो निहायत रहम वाला है, अत्यंत हमदर्द है, उस हमदर्द पर अल्लाह के नाम पर बेदर्दी का काम। तो साहब कहते हैं बताओ कि मासूम जानवरों की गर्दन पर छुरी चलाने की आज्ञा तुम्हें किसने दी, ये भी तो तुम्हारे बीच की बनाई हुई बात है, और इसको हिमाल लिए कि नहीं हमें तो बलि और कुर्बानी करना ही करना है, तभी हमारे भगवान और अल्लाह खुश होंगे। साहब कहते तुम्हारी बलि और कुर्बानी की प्रथा भी विष की ही है, इसलिए इसमें अटको मत, और ये स्वर्ग नरक की कल्पना भी विष में है, कहीं बाहर स्वर्ग नरक नहीं है जहां जाकर के पाप पुण्य भोगना पड़ेगा। अरे प्रेम एकता दया क्षमा परोपकार का व्यवहार जहां है मन की प्रसन्नता, ये स्वर्ग है, और ईर्ष्या घृणा नाना प्रकार के मनोविकार में उलझे रहना, मन से पीड़ित तनावग्रस्त चिंताग्रस्त रहना नरक है, और इसको छोड़कर के और कहां आकाश में खोज रहे नरक और स्वर्ग। करता कीर्तन बाजी लाई, हिंदू तुरुप की राह चलाई। साहब कहते हैं तुम जो ये कहते हो कि दुनिया का एक कर्ता है, दुनिया का एक बनाने वाला है, ये कर्ता कृत्रिम है, कृत्रिम है, बनावटी है, तुम्हारे मन की कल्पना है। दुनिया को बनाने वाले किसी कर्ता की जरूरत नहीं है,
दुनिया को चलाने के लिए किसी कर्ता की जरूरत नहीं है। दुनिया तो अनादिकाल से अपने आप चलती आ रही है। ये कर्ता की कल्पना तुमने की है, एक कृत्रिम ही कल्पना। और वो क्यों? एक बाजी लाई, ऐसे कर्ता की कल्पना करके तुमने लोगों को ठगने के लिए एक चालाकी शुरू कर दी है कि दुनिया बनाने वाला एक कर्ता है और वो हमारा ही बनाया भगवान है। ये लोगों को ठगने के लिए एक चालाकी है और उस चालाकी के आधार पर अपनी मनमानी चलाना है बस। और नाना मत के लोग यही कर रहे हैं। एक तौर तो कल्पना करते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई, लेकिन वो भगवान कौन जो हम मानते हैं, जैसी हम व्याख्या करते हैं वो भगवान वैसा ही है। दूसरे लोग जैसी व्याख्या करते हैं वो ढंग से नहीं है वो भगवान। और ये भी बात है, भगवान दुनिया वैसे बनाई जैसे हम चाहते हैं, दूसरे लोग जैसा कहते हैं ढंग से थोड़े बनवाए हैं वो, जैसे हम लोग कर रहे हैं वो ढंग से बनाए हैं। साहब कहते हैं सारी बातें चालाकी है, लोगों को ठगने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। क्योंकि एक पहले एक कर्ता की कल्पना की, फिर उसके पश्चात उसके द्वारा एक महापुरुष भेजने की कल्पना की गई, उसके द्वारा फिर कोई ग्रंथ भेजने की कल्पना की गई। और देखो क्या देखो परमात्मा ने हमारे महापुरुष को भेजा, हमारे ग्रंथ को भेजा, इसलिए हमारी परंपरा हमारे मजहब से कल्याण हो सकता है। इस चालाकी को सही बताने के लिए, लोगों को मनवाने के लिए ही इस एक कर्ता की कल्पना की गई है। और सच यह है कि कर्ता ही कृत्रिम है, बनावटी है। हिंदू तुर्क की राह चलाई और ये बताओ कि एक कल्पना करके कर्ता की हिंदू तुर्क के परस्पर दो रास्ते चला लिए। जब किसी भगवान ने दुनिया बनाई तो क्या शुरू में ही उसने हिंदू और मुसलमान को भिन्न भिन्न बनाया? उसके अंदर तो कोई भेदभाव था नहीं। वो तो मान लो दुनिया बनाई भी और इंसान को, मनुष्य को, आदमी को पैदा किया तो उसने सबको एक समान ही पैदा किया होगा। ये हिंदू तुर्क के रास्ते कहां से आ गए? इसका मतलब यह हुआ, ये तुम्हारे हिसाब से ही कह देते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई, तुम्हारे अल्लाह ने दुनिया बनाई तो उन्होंने तो सबको एक समान बनाया। ये हिंदू तुरुक के रास्ते तो तुम्हारे अपने बनाए हुए हैं, बीच के रास्ते हैं। और इस बीच के रास्ते को हिंदू मुसलमान को लेकर के आपस में मारा मारी करना, दुनिया को नरक बनाना, ये तो अपने ही परमात्मा को या अल्लाह को न समझना हुआ। उन्होंने तो एक जैसा बनाया और एक माता पिता से उत्पन्न बच्चे परस्पर में भाई हैं। भाई है ये क्योंकि एक माता पिता उत्पन्न हुए, मतलब भाई बहन हुए जो भी पैदा हुए। अब भाई के साथ भाईचारा का बर्ताव, प्रेम का बर्ताव होना चाहिए। अब एक माता पिता के बच्चे ही भाई अपने भाई को भाई न समझ करके, दुश्मन समझ कर, विधर्मी समझ कर लड़ने लगे तो कितना अन्याय है उस माता पिता को, कितना दुख होगा उसके सामने झगड़ रहे हैं। ऐसे ही अल्लाह ने, परमात्मा ने दुनिया बनाई तो सबको एक जैसा बनाया, तो सब उसके भाई हुए परस्पर। अब परस्पर भाई हुए तो भाईचारा का व्यवहार करना चाहिए, तभी तो वो अल्लाह खुश होगा या परमात्मा खुश होगा। अब तूने मान लिया कि नहीं हम अलग हैं, ये अलग है, और अलग मान करके कितने कितने लोगों को काट डाले, मार डाले, बताओ इससे तुम्हारे इस काम से वो अल्लाह ताला खुश होगा कि नाखुश होगा? तो हिंदू तुर्क का रास्ता कितने चलाया? साहब कहते हैं कोई अल्लाह कोई परमात्मा ने चलाया ही, ये हिंदू तुर्क के रास्ते आदमियों के ही चलाए हुए हैं, बीच के रास्ते हैं। शुरू में ना हिंदू थे ना मुसलमान थे। यदि तुम्हारे हिसाब से दुनिया बनी तो शुरू में कहां हिंदू मुसलमान, ये बीच में बने को लेकर के कट्टर बन गए। इसलिए साहब कहते हैं कट्टरता में ना पढ़ो, इंसानियत को समझो, मानवता को समझो। कहां तब दिवस, कहां तब राती, कहो तब कीर्तन किन उत्पाती।
उस समय जब दुनिया नहीं थी तब दिन कहाँ थे, रात कहाँ थी, और कहो उस समय ये बताओ ये नाना प्रकार के कृत्रिम कर्मकांड कितने उत्पन्न किया। ये सारे कर्मकांड तो कृत्रिम है, बनावटी है, बीच की है, बीच के हैं। उस समय तो एक समान स्थिति थी, उसको समझो, मूल बात को समझ लोगे तो कहीं लड़ना झगड़ना नहीं होगा। नहीं वाके जात, नहीं वाके पांत, कहीं कबीर वाके दिवस न रात। साहब कहते हैं जो मूल तत्व है उसकी कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई पाति नहीं है, और उसमें दिन रात नहीं है, वो तो एक रत है। चाहे उस मूल तत्व को जीव कहो, चेतन कहो, आत्मा कहो, अल्लाह कहो, परमात्मा कहो, उसके स्वरूप में जात पात कहाँ है? ये जात पात की कल्पना भी तो आदमी की बनाई हुई है। आदमी वैसे देखा जाए तो सारे आदमी एक जैसे पैदा होते हैं, एक रास्ते से, कोई अलग अलग रास्ते से पैदा नहीं होते, सबके पैदाइश का तरीका भिन्न भिन्न नहीं है। इसलिए मानव मात्र की एक जात, कौन छोटा कौन बड़ा कौन अलग है। और मूल तत्व का यदि कहा जाए, चेतन को कहो, यदि परमात्मा को कहो, तो चेतन की कोई जाति नहीं होती, परमात्मा की कोई जाति नहीं होती। ये जाति पाति की कल्पना तो आदमी की खड़ी की हुई है। इसलिए जाति पात के भेदभाव से रहित मूल आत्म तत्व को, चेतन तत्व, परमात्मा तत्व को समझो, और उसके स्वरूप में न दिन है न रात, वो तो एक रस है, एक समान है। इसलिए साहब कहते हैं कि सारे बाह्य डंबरों को छोड़ो, और बाह्य डंबर को छोड़कर मनुष्यत्व को, परमात्मा तत्व को, ईश्वरत्व को समझो, और समझ लोगे तो कट्टर बनकर दूसरे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे। वह अल्लाह, वह परमात्मा, साहब कहते हैं बाहर कहीं नहीं है, वह तो आदमी के दिल में। इसलिए साहब बार बार कहते हैं कि दिल मा खोज, दिले मा खोजो, यह करी मा रामा, हृदय बसे ते ही राम न जाना। और जो अपने दिल दरगाह को समझ लेगा वह फिर दूसरे साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कट्टरता छोड़कर सरल बनकर वास्तविकता को समझो, और वास्तविकता को समझकर उसके अनुसार से ही जीवन जियो।